नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राहुल जाटव। स्वागत करता हूँ आज के सेशन में आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबसे पहले आप सभी को। आइए बात कर लेते हैं आज के सेशन में जिद्दी लोग जो होते हैं, बहुत ही जिद्दी, मतलब बहुत ही खराब मीन्स जिद, किसी भी चीज़ की जिद आ जाती है। जैसे किसी को डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल एक स्पीकर, उन्होंने ठाना है, उन्होंने बड़ा बिजनेस .com खोल रखा है और उन्होंने ठाना है कि मैं इंडिया को बिजनेसमैन के रूप में लाकर ही रहूँगा, तो वो अपने कार्य में प्रयास रखते हैं। तो बात करते, वो ऐसे आदमी है ना कि आप उनको एक बार सुन लेंगे तो आपको ये जोशीला अंदाज हो जाएगा, आपका बिजनेस करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हालांकि इच्छा आपके खुद के अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते। उनका एक कथन है कि आपको एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनकर जिंदगी जियो। सपोज डेट आप अच्छी रेंज पे पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। पर क्या अगर आप एक व्यापारी बनते हो, तो छोटे से छोटा भी व्यापारी, तो आप टाइम आपका, समय आपका, बिजनेस आपका, पैसा आपका, सब आपका, तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में, जो भी आप करना चाहो। तो आपने क्या सोचा है कि ये आपके हाथ में, आप बड़ा बड़ी नौकरी करके सरकारी नौकर बनना चाहते हैं या फिर छोटे व्यापार करके खुद का मालिक धंधा खोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। तो मैं ऐसे ही टॉपिक पर बात कर रहा था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज का समय जो है नौकरी का नहीं है, आज के समय में नौकरी अधिकतर जा रही है, और लॉकडाउन के लगते तो बात जैसे प्राइवेट कंपनियों पर तो यूँ समझ लो कि पैसों की कमी की बहुत ज़्यादा ही आ गई है, क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन माल हो नहीं रहा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिकेगा नहीं, माल बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे में वो कंपनी अपने पैसे कहाँ से देगी, तो फिर क्या करेगी कंपनी सिंपल सा फंडा है, कंपनी बाहर निकाल देगी आपको। तो मैं यही समझा रहा आपको कि छोटा मोटा बिजनेस करें, व्यापार करें, और अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है लगाने को तो बेस्ट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। आप इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या क्या काई में जुड़ना है, कैसे क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप चाहे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं तो एज योर विश। बाकी मेरा यही कहना है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनकर जिंदगी जियो, क्योंकि मालिक अपने हिसाब से उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, हर हिसाब से। अगर वही आप एक ऑफिस टाइम ले लो, ऑफिस टाइम में क्या होगा, आपको सबसे पहले उठना पड़ेगा 6 से 7 बजे उठे ना आए तो ये करें 9 बज गई, आपको 9 बजे आपको ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। 10 बजे आपको ऑफिस रिपोर्टिंग देना, फिर वहाँ से आप छुट्टे 6 बजे, आपको 7-8 घंटे की ड्यूटी आपको वहाँ देनी। वही अगर दोस्तों मैं कहता हूँ, आप वही ड्यूटी अगर आपके प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए देते हो, तो क्या यह प्रोफेशन आज नहीं तो कल आपको आगे नहीं बढ़ाएगा क्या? नए नए आइडियाज़ पर काम करिए, नए नए टॉपिक पर काम करिए, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है जहाँ पर GDP भी डाउन हमारी हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल लो पर आ गई। हालांकि सभी कंट्री को आ गई, फिर भी हमें अपनी कोशिश यह रहेगी कि हमारी अर्थव्यवस्था को हम अप ला सकें, ना कि डाउन न जाए। अगर हमारी 6ठी थी तो हम 5वीं पे लाएँ, 5वीं है तो 4थी पर लाएँ। तो हमें एक बड़ी राष्ट्र शक्ति इसको बनते हुए देखना है, और उसके लिए आप सब व्यापारी भाइयों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा व्यापारी बनकर अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो, और सरकार को भी सहयोग होगा, इससे टैक्स जाएगा सरकार को, तो टैक्स सेव होगा तो सरकार की भी GDP बढ़ेगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों गुड बाय, ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा कर में ही रहे, ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ और अभी भी कहूँगा।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाता है कि सब लोग इस जानकारी को देख सकें, ठीक है सर। और इससे आप तो क्या कोई सी मान लो कोई बिजनेस करना चाहता है उसकी इच्छा जागृत हो जाए तो अच्छा है, अपना क्या जाता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।